जो रूट सेट किया है उन्हें खुली रहने दें, पर जंगल में शेर घास थोड़ी खाएगा, मासी तो खाएगा। शेर तो मार्क्स ही खाता है, घास का खाता है। आप शेर हैं। सामने वाले व्यक्ति को घिन आती है, हमने बंद कर दिया। मुसलमान जो शराब नहीं पीते एक महीने, वो रमजान रखते एक महीने के लिए, ठेके बंद क्यों नहीं होते? ठेके बंद होने के ऊपर किसी ने सवाल करा आज तक? भाईचारे के नाते तो तुम वही वाली बात है, दूध मांगोगे खीर देंगे, कश्मीर मांगी तो छीर देंगे। बात समझ भाई, भाईचारे के नाते तो कलेजा निकाल के दे देंगे तुम्हें। मेरा नाम मोहम्मद शकील है। मोहम्मद शकील जी, सावन का महीना शुरू हो चुका है, क्या लगता है कि जो सरकार का फैसला है कि मास्क की जो दुकानें हैं वो बंद रहें सावन के महीने में, सही कदम उठाया? जो कावड़े वाला रूट है उसमें बंद करवा दें, जो रूट सेट किया है उन्हें खुली रहने दें, पर जंगल में शेर घास थोड़ी खाएगा, मासी तो खाएगा। क्या लगता है एक महीने के लिए सब कुछ त्याग नहीं सकते? अरे एक महीने तो बंद कह रहे हैं कि जो कावड़ वाले रूट पे आएंगी उन्हीं को बंद किया गया है। हाँ तो कावड़ वाले रूट वाले बंद करवा दो आप, और जो कावड़ वाले रूट से हट के हैं उन्हें खुली रहने दो। क्या लगता है योगी सरकार जो कार्य कर रही है सही कर रही है, कुछ गड़बड़ी है? तो सही कर रही है, पर जो रूट से हट के अलग है वे बंद करवाए तो वे गलत है। हाँ, इसमें बहुत लोग जुड़े हुए हैं, सबकी रोटी रोजी जुड़ी हुई है इसमें। नहीं नहीं, क्या लगता है कि ऐसे फैसले जनता के लिए सही रहते हैं? कह रहे हैं कि सावन का महीना है, भोले के भक्त आ रहे हैं तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो बंद कराई गई है। नहीं नहीं, वो तो सही है, रूट से हट के जो है वे गलत है बंद करवानी, इसमें बहुत लोगों की रोजी रोटी जुड़ी हुई है। समझे नहीं, अगर ये सारी बंद करवा देंगे तो इसमें रोटी कहाँ से खाएंगे लोग, बताओ? जो रोज के डेली वेज मजदूर हैं उन्हें तो रोज का खाना रोज का कमाना है। एक महीना हरी सब्जी नहीं खा सकते? नहीं जी, हम घास नहीं खाएंगे, हम तो मांस खाएंगे भाई। घास नहीं खाएंगे? नहीं, घास नहीं खाएंगे भाई, शेर घास थोड़े खाता। शेर तो मार्क्स ही खाता है, घास का खाता है। आप शेर हैं? नहीं, हम तो बता रहे हैं, बुल्ले जी कह रहे हैं इस बात को बता रहे हैं हम तो। तो आप एक महीने के लिए शाकाहारी भोजन नहीं करें? अरे हम तो दाल भी खा लेंगे, चटनी भी खा लेंगे, हमें तो टाइम पे मिल जाएगी वो खा लेंगे, कोई जरूरी। अच्छा, जो योगी सरकार का जो फैसला है वो सही है क्या? मिल जाएगी वही खा लेंगे हम तो, ये बताएगा ये खाएगा ये लड़का। आप बताइए, आप क्या कह रहे थे सर? जाओ, ये वाला बंद करने वाला सही लिया गया, गलत लिया गया? भाई देखो भैया, जैसे ये बता रहे हैं नहीं भाई, जो रोड है, जो गली महल्ले हैं, उनमें तो मतलब ये है कि कारोबार चलना चाहिए, जिसका हर आदमी का कारोबार है। और देखो जो रोड है उसमें गलत बात है, जैसे जो तुम्हारा नवेडा हुआ, ये हुआ, ये मेन रोड माने जाते हैं, ये तो थर रोड है, थर इलाके हैं, ये तो यहाँ तो कोई मतलब ही नहीं किसी का भाई, यही है और कुछ नहीं हमारे यहाँ। तो फैसला स्वीकार है ये, क्या लगता है सही हो रहा है? चलो एक महीने के लिए ये हम शाकाहारी भोजन कैसे कह देंगे, हम सही कैसे कह देंगे? बस सही, ये भी तो कहेंगे 20,000 रुपये जेब में गिर रहे, सही कह देंगे? रोटी पानी के लिए 20,000 रुपये जेब में तो होने चाहिए, तो सही कह देंगे? रोटी पानी का चुग्गा रोज का जिसका आदमी का है वो क्या करे? भाईचारे के लिए इतना नहीं स्वीकार करेंगे क्या? अरे भाईचारा एक दो दिन के तो होता है भाई, मेरे भाई भाईचारा महीने का थोड़ी होता है, महीने दो, आप कह रहे हो महीने के लिए, महीने के लिए तो बहुत कड़ा मामला पड़ जाएगा। अभी पहले लोग खाए हुए हैं चोट, तीन तीन महीने, चार चार महीने लॉकडाउन में दुकानें बंद रही हैं, पहले बेचारे सताए हुए हैं। आपको क्या लगता है कि सरकार का जो फैसला है मांस की दुकानें बंद रहेंगी, क्या सही निर्णय लिया है सरकार ने? सावन का महीना चल रहा है, ये सावन का महीना ही अभी है, पहले भी तो सावन के महीने है, अब से 10-5 साल पहले भी तो सावन के महीने है, जब भी पहले सरकारें इन चीजों पे ध्यान नहीं देती थी। अब एक बात बताओ, जिनका रोजाना की लाना खाना है वो तो ना तो चाहिए, जो मतलब रोड का चलो बंद है, जिधर से निकल रही है, अब जो मोहम्मद इलाके में दुकानें बंद करवाने तो उनका क्या होगा रोज का खाना लाने वाले का, ये बताइए आप। सही नहीं लिया गया, सही नहीं है। क्या नाम होगा भैया? मेरा नाम दीन मोहम्मद है भाई। दीन मोहम्मद, हाँ जी। क्या कहेंगे जो फैसला लिया गया? फैसला लिया गया वो गलत है। हाँ। पूछो क्यों गलत है? गलत है, गलत इसलिए एक महीने के लिए कांवड़िया चलेंगे तो दुकानें कसाई होगी बंद कर दो। हाँ। जब एक महीने के लिए रमजान चलते है शराब के ठेके बंद क्यों नहीं होते बताओ शराब के ठेके बंद क्यों नहीं होते है? मुसलमानों के
एक बात बताओ, अब ये एक महीने के लिए कांवड़िए चल रहे हैं, ठीक है हम बंद कर देंगे, आपके कहने से हम बंद कर रहे हैं, ये सही भी है आपके कहने से हम बंद कर देते हैं, सामने वाले व्यक्ति को घिन आती है, हमने बंद कर दिया। मुसलमान जो शराब नहीं पीते एक महीना, वो रमजान रखते, एक महीने के लिए ठेके बंद क्यों नहीं होते? ठेके बंद होने के ऊपर किसी ने सवाल करा आज तक? सवाल होते हैं है जी, होते हैं, सवाल क्यों नहीं होते हैं? कौन करता है सवाल? इसमें कांवड़ियों पे एक महीने कसाई की दुकान बंद रहे, इस पे आप सवाल करने आ गए? आज तक ठेकों के ऊपर हमने तो कभी सवाल नहीं सुने, रमजान रमजान ठेके बंद रहेंगे? गलत कह रहा हूँ? आपके जो फैसला लिया गया उसको जनता क्या सोचती है उस पर विचार करने आए हैं, आपका विचार क्या है ये राय लेने आए हैं, ठीक है? ठीक है, और दूसरी बात ये, आप मुझे एक बात बताओ, ठीक है दुकानें बंद हो जाएगी, लेकिन जहाँ से कांवड़िए निकलेंगे वहाँ से बंद करा दो, जो अंडरग्राउंड बिकता है, खरीदने वाले भी मुसलमान बेचने वाले भी मुसलमान, वहाँ से बंद क्यों करा रहे हो? जो फ्रंट है मैन, वहाँ से बंद करा दो आप। अब जो रोज का कमाने खाने वाला है वो कहाँ से करेगा भाई? अच्छा, मतलब कि आपका मुद्दा ये है कि जो लोकल की चीज़ें हैं वो बंद ना हो, मेन रूट बंद हो जाए? मेन रूट से निकाल, जहाँ से निकाल लो, खाली मेन रूट से नहीं, जहाँ से निकाल होता है, जहाँ से हमारे हिंदू भाई लोग गुजरते हैं निकलते हैं, अभी देखते हैं कसाई की दुकान है, हमें घिन आ रही है, हम भी मुसलमान है, कोई हमारे आगे सुअर काट के टांग दे हमें भी घिन आएगी, मानोगे? तो इसी तरह से सामने वाले को घिन आती है, आप मेन रूट बंद करा दो, काम ऐसा करो सांप भी मर जाए। अरे कि मंदिर के आसपास के जो इलाके हैं उनको बंद कराया गया? आसपास के, हाँ बिल्कुल ठीक है, आसपास के करा दो, लेकिन सभी नहीं, सब नहीं करा सकते, सबका फैसला गलत है, मतलब सबका फैसला गलत है, जहाँ जरूरत है अब सब जगह। अब एक बात बताओ, एक मेरा सवाल यह है भाईचारे के नाते, अगर एक महीने के लिए चीज बंद हो जाए तो आपको क्या लगता है सही है फैसला गलत है? एक महीने के लिए अगर बंद, भाईचारे के नाते, भाईचारे के नाते तो एक महीना नहीं, फिर एक साल भी सही है, भाईचारे के नाते तो सही है, लेकिन हुकूमत के एक रौब के दौर पे तो एक दिन भी गलत है हमारे लिए। भाईचारे के नाते तो तुम वही वाली बात है, दूध मांगोगे खीर देंगे, कश्मीर मांगी तो चीर देंगे, बात समझ भाई? भाईचारे के नाते तो कलेजा निकाल के दे देंगे तुम्हें, मोहब्बत से कलेजा मांगो वो भी हाजिर है, और नफरत से भाई एक नाखून कटा हुआ ना आज किसी काम का नहीं, ये भी नहीं देता आदमी नफरत में। तो सरकार नफरत पैदा कर रही है, मतलब नफरत का देखो, आपने कहा भाईचारा, आपने कहीं सुना भाईचारा पहले आया हो, मुद्दा बाद में आया हो, कोई सवाल बाद में आया, गोश बंद होगा भाई, भाईचारा है, भाईचारा सुना आपने कहीं? है भैया, भाईचारा सुना कहीं आपने कि भाई एक हमदर्दी के नाते गोश बंद हो जाना चाहिए, भाई हमें घिनाती है? नहीं, आप कह सकते हैं ना कि हमारे भाई हिंदू भाई कांवड़ लेने जाते हैं इसलिए हमने बंद कर दिया, ये नहीं कह सकते क्या? नहीं कह सकते हैं, क्यों नहीं कह सकते? मेरे दोस्त हिंदू हैं, नहीं खाते, मैं नहीं खाता उनके साथ, जहाँ मेरे मुस्लिम दोस्त हैं उनके साथ बैठ के खाता हूँ, गलत तो नहीं? जिस चीज़ से सामने वाले को ऐतराज है तो हम उससे बचे, वही से हमारी वजह से दिक्कत हो रही है क्यों जी? ये हमारा फर्ज है। देखो मेरा कहने का मतलब ये है, ये माइक मैं आपसे कहूँगा, भैया ये माइक दे दो मिनट को जरूरत है, आप कह दो मेरे भाई ले जाओ, मैं कहूँगा ओए यहाँ है दिक्कत, दिक्कत यहाँ रस्सी हो रही है, हाँ दिक्कत यहाँ है भाई।